हेलो एंड वेलकम दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपनी YouTube वीडियो में कस्टम थंबनेल कैसे ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों कस्टम थंबनेल ऐड करने के से पहले आपको अपने YouTube चैनल को वेरीफाई कराना होता है। तो दोस्तों अगर आप नए यूट्यूबर है और आपने अपना यूट्यूब अकाउंट वेरीफाई नहीं किया है तो आप हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में या मैं आई बटन में डाल दूंगा, वहाँ आप वो वीडियो देख लीजिए कि अपने चैनल को वेरीफाई कैसे करें। ठीक है दोस्तों, अपने चैनल को वेरीफाई कर लेना। अगर आपने अपना चैनल वेरीफाई नहीं किया है तभी आप कस्टम थंबनेल अपनी वीडियो पर लगा सकते हो। तो दोस्तों वीडियो पर कस्टम थंबनेल लगाने के लिए आपको करना क्या होता है, आपको आपको सबसे पहले अपने चैनल को वेरीफाई करना होता है। जैसे आप वेरीफाई कर लोगे उसके बाद आपको अपनी वीडियो अपलोड करनी होती है। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों कस्टम थंबनेल लगाने के लिए आपको सबसे पहले ऐप चाहिए यूट्यूब स्टूडियो। ठीक है दोस्तों, जैसे आप अपनी वीडियो YouTube से अपलोड कर दोगे तो आपको YT स्टूडियो में आना पड़ेगा। तो मैं YT स्टूडियो खोल के आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आप ऐड करोगे। दोस्तों जैसे आप अपनी कोई वीडियो अपलोड करोगे तो मैं अपनी फर्स्ट वीडियो पे आ जा रहा हूँ। जैसे मेरी फर्स्ट वीडियो आपने अपलोड की तो जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो यूट्यूब स्टूडियो में ऊपर तीन ऑप्शन मिल जाए दोस्तों। सबसे पहला है एडिट का, फिर शेयर का, फिर यूट्यूब का। तो आपको एडिट पर क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप एडिट पर क्लिक करोगे तो एक कस्टम थंबनेल अभी मैंने लगा रखा है, यहाँ पे आपका लगा हुआ नहीं मिलेगा आपको। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है एडिट के निशान पे इसी वीडियो पे। जैसे मैं क्लिक करूँगा ना दोस्तों तो यहाँ पे आपको जैसे आप अपनी वीडियो की आपकी कोई भी वीडियो अपलोड की तो आपको कस्टम थंबनेल यहाँ पे चेंज का ऑप्शन आ रहा है मेरा, यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। सबसे पहले वेरीफाई करना होगा। तो ये मैंने वेरीफाई कर रखा है तो मेरे में आ रहा है। मैं यहाँ से जाके और कोई थंबनेल भी लगा सकता हूँ, जैसे ये देखो अपने आप मोबाइल की डॉक्स में स्टोरेज में जाके तो मैं और कोई थंबनेल भी लगा सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक बार बैक कर ले रहा हूँ। तो यहाँ से आप ये तीन थंबनेल नीचे दिख रहे हैं इन्हीं को लगा सकते हो, और थंबनेल आप लगा नहीं सकते अपनी वीडियो में। तो इसलिए आपको जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे आप यहाँ चेंज पे क्लिक करके यहाँ पे आपको सेट का आएगा सेट थंबनेल, क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स में जो भी आपने थंबनेल बनाया है वो लगा सकते हो। और यहाँ से आप ऊपर सेलेक्ट कर देना, आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अगर आपको थंबनेल बनाना नहीं आता तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। मैं अगली वीडियो में आपको ये बता दूंगा कि आप किस तरह थंबनेल बना सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।